JNU-CU elections. आमतौर पे कभी JNU-CU elections में हिंसा की खबरें नहीं आती हैं, मगर इस बार के JNU-CU election में सिर्फ हिंसा की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूनाइटेड लेफ्ट के प्रत्याशी एन साई बालाजी। उनसे ही पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस वजह से वोटिंग रुकी रही, काउंटिंग किस वजह से काउंटिंग रुकी रही। काउंटिंग बहुत लंबे समय तक रुकी रही थी, अभी फिर से काउंटिंग शुरू हुई है। हाँ एन साई बालाजी, कल रात को 10:30 बजे काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, करीब 12-1 बजे से सारा नतीजा आने लगे थे और पहला साइंस स्कूल्स का नतीजा आए थे, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस, SPS, सारा साइंस स्कूल्स में जो काउंसलर पद पे है, AVP का हार हुई थी। एक जगह पे अपना जीत बता रहा है, वो भी थोड़ा डाउटफुल है। उसके बाद तुरंत साइंस स्कूल्स का सेंट्रल पैनल का बुलावा आया था, हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को भेजा और हमारे कैंडिडेट जाने के आधा घंटा 40 मिनट के बाद अचानक हमने देखा कि वहाँ से AVP का 100 लोगों का भीड़ भागते हुए आया। हम लोग ये देखने आए कि हुआ क्या, तो हमको पता चला कि AVP टाइम पे अपने पोलिंग एजेंट को अंदर भेज नहीं पाया था, सॉरी काउंटिंग एजेंट को, और तब तक बैलेट खुल चुका था। और कल ही हमारे साथ ऐसा घटना घटी कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हम अपने एजेंट को टाइम से नहीं भेज पाए थे, तो EC ने बोला बैलेट खुल चुका है, अब आपको भेज नहीं सकता। तो हम बहुत कुछ उनसे बात किया, उन्होंने नहीं माना तो हमने EC के ऊपर ट्रस्ट करते उस बात को छोड़ दिया। उसी के 1 घंटे के बाद एक घटना घटी, बट AVP छोड़ा नहीं, भीड़ को लाया, मारपीट किया यहाँ पे गार्ड्स के साथ, आप देख सकते हैं पीछे, गेट को तोड़ा, गेट के अंदर से घुसपैठी किया, गार्ड को बीच में मारा, जो भी EC बीच में आया था उनके साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, और जहाँ पे बैलेट पेपर था उसको लेके भागने का कोशिश किया और उस रूम को कब्जा मारने का कोशिश किया। EC ने तुरंत किसी तरीके से उस रूम को बंद किया, बैलेट पेपर और सारे चीज़ को सिक्योर किया। के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सौरभ शर्मा ने खासतौर से लेफ्ट पर खासे आरोप लगाए हैं, उन लोगों ने काफ़ी मारपीट की है और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कम्युनिस्ट ओरिएंटेड हो गया है, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? 2015 में सौरभ शर्मा इसी JNU-EC से कया हुआ चुनाव से जीता, तब इसको कम्युनिस्ट नहीं दिखा, अचानक आज जब उनको हार हो रही है तो उनको कम्युनिस्ट दिखने लगा है। क्यों? ये एक साफ इनका मंशा रहा है, ये 12 घंटा लगभग काउंटिंग को रोका, जब इनको पता चला कि देश भर में ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, काउंटिंग को रोक के अपने लोकतांत्रिक जो आवाज़ है उसको ये लोग बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसको कुचल रहे हैं, ये लोग अपना जो AVP के लुम्पेंस के साथ महिलाओं के ऊपर अटैक किया। अब बताइए, जब लोग नारा दे रहे हैं अचानक कोई आके आपको मारेगा, क्या दिखाता है? साफ मंशा। अभी मैं दूसरे व्यक्ति को भी यही बात बोल रहा था, द सेम टाइम जब इन्होंने मारपीट यहाँ शुरू किया, गेट के बाहर CRPF का पूरा बटालियन तैयार था JNU के अंदर आने के लिए। ऐसा कैसा था कि, और मैं तुरंत सिक्योरिटी से पूछा CRPF क्यों गेट के पास खड़ा है, वो बोला हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस ने भेजा, दिल्ली पुलिस को किसने बोला? सरकार ने बोला होगा। और पैरेलली पुलिस गेट पे और यहाँ पे AVP का मारपीट, दोनों साथ हुआ है। और 9 फरवरी का घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस कैंपस में उस दिन JNU 4 बजे से मौजूद था, सौरभ शर्मा ने खुद उसको बुलाया था और अभी तक उस केस में लोगों की कोई एक्शन नहीं हुई है। और आज भी उसी तरीके से प्री प्लान तरीके से उन्होंने हमला किया और रात को जैसे किया आज भी किया।